तहरीकी आदम एतमाद से निमटने के लिए हुकूमती वज़रा की स्पीकर असद कैसर की रिहाइश गाह पर बड़ी बैठक, कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक रुकन शरीक हो, आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ पीटीआई एमएनएस को वोट डालने की इजाज़त ना देने के ऑप्शन पर गौर। वोटिंग वाले दिन ईवान में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ रेफरेंस के लिए स्पीकर को खत लिखने का भी फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज दौरा लाहौर का प्लान, पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब, जहांगीर तरीन ग्रुप का बायकॉट का ऐलान। उस्मान बुज़दार की मौजूदगी तक किसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक नहीं होंगे, तरीन ग्रुप का फैसला। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, ये उधर आ गए ट्रैप में। मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पहला मेरा टारगेट होगा, जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। मकसूद चपरासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। आदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पहला टारगेट आसिफ जरदारी, दूसरा टारगेट मकसूद चपराशी वाला शोबाज है। वज़ीर आज़म के फजल रहमान को भी तैयार रहने की वार्निंग। सिंध के लोग जरदारी माफिया से छुटकारा चाहते हैं, अब आज़ादी का वक्त आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। इमरान खान का बिलावल को उर्दू सीखने का भी मशवरा। आसिफ जरदारी, खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बड़ा शाटा है, 15 साल के बाद चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है, 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। आसिफ जरदारी से सरदार यार मोहम्मद बिन की 2 रोज में दूसरी मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगु। उधर बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी अरकानी कौमी असम्बली को आज जहराने पर बुला लिया। तहरीक आदम एतमाद पर मशावरत होगी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मैदान में आ गए। हमारे साथ 4 MNAs हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, हुकूमत का रवैया अफसोसनाक। अब ये वक्त है हमारी नुमाइंदगी का ख्याल रखा जाए। जाम कमाल बदलती सियासी सूरत हाल में मेन मुलाकातों पर जोर। चौधरी शिजात हुसैन की जरदारी हाउस, अहमद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तहरीकी आदम एतमाद पर भी बातचीत। टॉप लीग का पहली बार अपोजिशन के साथ जाने का इशारा। 15-20 सरकार टूट गए तो अपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर होंगे। इत्तेहाद के मामलों में हुकूमत के साथ खड़े हैं। तारिक बशीर चीमा की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू, मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। सियासी मंजरनामे पर एक और बड़ी पेशरफ, जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की परवेज इलाही से मुलाकात। वफ़द ने माइनस उस्मान बुज़दार एजेंडे से आगाह किया, तमाम तफ़सीरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अभी अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली में जमा नहीं हुई, स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू, मुलाकात का मुश्तरक ऐलामिया जारी। अफजल की जो जमाते हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त की है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल हो चुकी है पार्लियामान में, तो उसमें आप हमारा साथ दें। ये किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है, ना मकसद है। ये 22 करोड़ आवाम दिन रात वो तड़प रहे हैं इस नाअहल
इस इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई करप्ट हुकूमत, ये हैं वो मकासद जिसके लिए ये मोशन दाखिल की गई है। तहरीक आदम एतमाद की सिफत बाहर नहीं, 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिश है। सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीक़ों से हटा कर काम के पास जाना चाहते हैं। सराज उल हक से तहरीक आदम एतमाद पर तआवुन की दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी शुरा से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। इमरान के ज़मीर की ख़रीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में जिन दो लोगों ने बामे अरूज के ऊपर पहुंचाया, वो नवाज शरीफ थे और जरदारी थे। अब इन्होंने फैसला किया है कि हम अपनी स्टॉक मार्केट ही अपनी खोल लेते हैं। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को जल्द अज जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आएँ। हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेम्बरान की वो हो जाएगी। ये अपने 172 अराकीन जो हैं वो असम्बली में लेके आएँ। नवाज और जरदारी ने मेम्बरान खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट खोली। स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक जल्द ऐवान में लाएँ। इमरान खान के 184 अरकान की हिमायत हासिल, अपोजिशन अपने 172 एमएलए सामने लाए। फवाद चौधरी का मुतालबा, अपोजिशन ने हुकूमत पर नहीं मैशत पर हमला किया, बहरान से मजीद मजबूत होकर निकलेंगे। हमाद असहर। गुजरात को घर भेजने कमीशन अलीम खान लंदन पहुंच गए। साबिक सीनियर सूबाई वजीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं की पंजाब के हवाले से सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब के सियासी माहौल में हलचल, मजीद 6 नाराज अरकान असम्बली के तरीन ग्रुप से राबते। ग्रुप में अरकान की शमूलियत का इम्कान, कल मुलाकात है। सिंध में सेनेट के जिम्मे इंतखाबात, पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू 99 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। 168 के ऐवान में 101 वोट कास्ट किए गए। तहरीक इंसाफ और एम के एम का बायकॉट, पी टी आई में फूट, दो अरकान ने वोट कास्ट किया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तुर्की मुतहदिक, रूसी और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा आज तुर्की पहुँचेंगे। दोनों ममालिक तहफ़ुज़ात पर बात होगी। अमरीकी सदर बाइडन का तुर्क सदर तैयब अर्दवान से आज टेलीफोनिक राबता भी होगा। यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च लेबॉरटरीज का इंकशाफ, रूस का अमरीकी फंड से तैयार किए गए मोहलिक वायरस की मौजूदगी का इल्जाम। ताउन और एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस पाए गए, चीन ने भी वजाहत मांग ली। वॉशिंगटन की ऐसी 26 लेबॉरटरीज मौजूद हैं, तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा। यूक्रेन में चेरनोबिल जोहरी पावर प्लांट को बिजली की फराहमी मुअत्तल, एटमी फ्यूल को ठंडा करना मुश्किल हो गया, आतिशबाजी का खदशा। पोलैंड ने केव को लड़ाका तैयारी देने की हामी भर ली। अमरीका की मुखालिफत, यूरोपीय यूनियन का 100 से ज्यादा रूसी शहरियों पर मजीद पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। इसराइल की आला शख्सियत का 14 साल बाद तुर्की का दौरा, इसराइली सदर की तुर्क हमन से मुलाकात। यूरोप को गैस की फराहमी के मुश्तरक मनसूबों पर बातचीत।